हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम चैप्टर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। सो लेट्स स्टार्ट। ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2018। ए और बी ने क्या किया, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 1st अप्रैल 2018। तो उन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है 1st अप्रैल को। दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹6 लाख एंड ₹4 लाख रिस्पेक्टिवली। तो ए और बी ने कितने लगाए, 6 लाख एंड 4 लाख एज देयर कैपिटल्स। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स आर एज अंडर। तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट की टर्म्स क्या है, नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो कितना देना है, 6% पर एनम। B is to get a monthly salary of ₹2500। B को मंथली सैलरी कितनी देनी है, 2500। कितनी कौन सी सैलरी है, मंथली सैलरी। तो एनुअल सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12। नंबर 3 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो उनका प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उनका कैपिटल की कंट्रीब्यूशन की रेशियो में। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। सो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है, बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशंस। हमने अभी तक ये सारी अप्रोप्रिएशंस नहीं की हैं। क्या है प्रॉफिट्स, 2,07,400। द ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी वर्थ ₹48,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। तो ड्रॉइंग्स क्या है ए और बी की, 48,000 एंड 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू ₹1,500 फॉर ए एंड 1,100 टू बी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी गिवन है कि कितना है। वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। हमें क्या एज्यूम करना है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कितने पार्टनर्स हैं, 2 ए एंड बी। क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, कब किया, 1st अप्रैल 2018 को। कितना है उनका कैपिटल, कितनी कंट्रीब्यूट की उन्होंने, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ए ने लगाए 6 लाख एंड बी ने लगाए 4 लाख। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट आर एज अंडर। पार्टनरशिप अग्रीमेंट की टर्म्स क्या है, नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6%। तो हमें कितना इंटरेस्ट देना है, जो हमने ओपनिंग कैपिटल लगाई उसी पर, कितना, 6%। तो 6 लाख × 6% इज इक्वल टू 36,000 एंड 4 लाख × 6% विल बी 24,000। नंबर 2 बी इज टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2500। बी को मंथली सैलरी मिलेगी 2500। तो सैलरी कितनी मिलेगी, 2500 पर मंथ। तो टोटल कितनी मिलेगी, 2500 × 12, 30,000। ए को कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 3 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो जो प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग रेशियो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन में है। तो क्या होगा उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, जो उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन का है रेट, 6 लाख is to 4 lakh, so 6 is to 4, 2 3 are 6, 2 2 are 4, तो 3 is to 2। तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3 is to 2। और हमें गिवन है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2,07,400, ड्रॉइंग्स गिवन है 48,000 एंड 40,000, ड्रॉइंग्स 48,000 एंड 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू ₹1,500 एंड 1,100। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हाउ मच, 1,500 एंड 1,100। तो हमें क्वेश्चन में ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हमें स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बनाएंगे हम अपना फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, particulars amount, फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे।
क्या नोट करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना गिवन है, 2,07,400। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी सारी की सारी एडजस्टमेंट लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सैलरी दी किसको, बी को, टू सैलरी टू बी कितनी दी, 30,000। और हमने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए टू बी कितना दिया, हमने कैलकुलेट किया था 36,000 and 24,000। तो टोटल हमने उनको कितना दिया, 60,000। और हमने क्या किया, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया। जो ड्राइंग्स होंगी वो कहाँ आएंगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। कितना चार्ज किया, गिवन है क्वेश्चन में, फ्रॉम ए 1500 एंड फ्रॉम बी 1100। तो टोटल हमने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, 2,600। तो अब हमें कोई और एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे और अपना डिविजिबल प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। सो 2,07,400 प्लस 2,600 दैट विल बी 2,10,000, 2,10,000। सो 2,10,000 माइनस 30,000 माइनस 60,000, सो 1,20,000 विल बी आर डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होगा, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या करेंगे इस डिविजिबल प्रॉफिट का, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। किस में, रेशो में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में। कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया था 3:2। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, अभी हमने किया था कैलकुलेट 3:2। सो 1,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड द अमाउंट विल बी 72,000 फॉर ए एंड 42,000 फॉर बी। तो हमारा टोटल डिविजिबल प्रॉफिट्स कितना था, 120,000। हमने उसको 3:2 में डिवाइड किया, 72,000 एंड 48,000। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रेडी किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिक्यूलर्स ए बी, पर्टिक्यूलर्स ए बी। हम यहाँ एक डेट का कॉलम भी बनाएंगे, डेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, 1 अप्रैल 2018 को क्या किया था, कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी। तो हमारे पास क्या आया था, कैश या बैंक। सो 2018 अप्रैल 1 क्या किया था, हमारे पास कैश आया था, कैश या बैंक। सो वी विल राइट हियर बाय बैंक अकाउंट। कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी, 6 लाख ए ने एंड बी ने 4 लाख। अब हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की सारी एडजस्टमेंट्स नोट करेंगे। क्या क्या था, सबसे पहले सैलरी, बाय सैलरी अकाउंट किसको दी, बी को, कितनी, 30,000। और क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दिया, 36,000 एंड 24,000। और क्या दिया, प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना, 72,000 एंड 48,000। और इन्होंने क्या किया था, पार्टनर्स ने क्या किया था, ड्राइंग्स, ये सारी ट्रांजेक्शन्स कब की हैं, ड्यूरिंग द ईयर की। तो हम इनको कब लिखेंगे, 2019 मार्च 31। अब क्या किया इन्होंने, ड्राइंग्स की, तो कैपिटल क्या हो गई, कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टू ड्राइंग्स कितनी कितनी की, 48,000 ए ने एंड 40,000 बी ने। और हमने इनसे क्या लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, 1,500 एंड 1,100। तो और क्या करेंगे, हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हो गई कंप्लीट। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे कैपिटल का।
6,00,000 + 36,000 प्लस 72,000 दैट विल बी 7,08,000। हम कौन सा कैपिटल अकाउंट मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग। हमें क्वेश्चन में गिवन था, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड अडॉप्ट करना है। तो 7,08,000 बी का 4,00,000 + 30,000 + 24,000 + 48,000 एंड द अमाउंट विल बी 5,02,000 5,02,000। तो जो बचेगा वो क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर 7,08,000 - 48,000 - 1,500। तो ए की क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी? 6,58,500 एंड बी की क्या होगी? 5,02,000 - 40,000 - 1,100 एंड द अमाउंट विल बी 4,60,900। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हो गया कंप्लीट। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज डू कमेंट्स एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।